तो गाइस आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम तक लेना हमारा सौभाग्य है एंड इट्स नन अदर देन उर्वशी रौतेला उर्वशी रौतेला द क्वीन ऑफ एवरीथिंग नो क्वीन ऑफ बॉलीवुड नो क्वीन ऑफ इंस्टाग्राम नो अबे तो कहां की क्वीन हो मैडम आप तो इतना कूल बने फिरते हो ओह वेट एक मिनट क्वीन ऑफ ऋषभ पंत्स हार्ट नो नो तो ऐसे चुटकियां बजाते बजाते इंडिया से ऑस्ट्रेलिया क्यों भाग गई बहन लड़के का चक्कर बाबू भैया लड़के का चक्कर ऐसा मैं नहीं ये सब कह रहे हैं A few minutes later. और सबको छोड़ो उर्वशी की खुद की हरकतें भी कुछ ऐसा ही कह रही हैं आई लव यू बोल दो बस एक बार बोल दो एक बार बोल दो आई लव यू नहीं लेकिन इनकी लव स्टोरी पे हम बाद में आएंगे पहले बात कर लेते हैं इस दुनिया की सबसे बड़ी लेजेंड की एंड नहीं मैं राखी सावंत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की प्राइड ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर उर्वशी रौतेला अबे तो पागल वागल हो गया मतलब फॉरेन जाके खुद को उर्वशी और बुलवाने से कोई ग्लोबल प्राइड आइकन फाइकन बन जाता है क्या मतलब यार गलत मत समझना उर्वशी ने डेफिनेटली लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा है बट ये थोड़ा ज्यादा हो गया मेक्स मी वंडर कि बाकी के नॉमिनीज में था कौन और आई शुड से बाकी के नॉमिनीज में से इवेंट पे आने के लिए कौन तैयार था क्योंकि अवार्ड शोज तो ऐसे ही काम करते हैं राइट ऑल्सो राखी सावंत जैसे लोग फ्रंट रो में बैठे हुए हैं तो इस अवार्ड शो का हिसाब किताब तुम समझ ही जाओ खैर एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस होने के साथ साथ उर्वशी जी इज ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर यार कोई प्लीज ये इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स को बताओ कि पीछे ट्रेंडिंग ऑडियो लगा के कहीं पे चलना रोड क्रॉस करना नीचे लेट जाना झूले पे खड़े हो जाना बैठ के पोज मारना या ऐसी शक्लें बना बना के कैमरे में देखना इज नॉट कॉन्टेंट निश्चय में ये क्या है ये ऐसे मतलब लोग पागल है जो स्क्रिप्ट लिख के वीडियो बनाते हैं डांस करके वीडियो बनाते हैं गा के वीडियो बनाते हैं एंड आई हेट टू से दिस लिपसिंक करके वीडियो बनाते हैं मतलब कम से कम उतना तो कर लो अब एंड उर्वशी जी तो सो कुल वेरी कुल वेरी कुल वेरी कुल कि दीदी जी चौड़े में बोलती है कि आई डोंट फॉलो ट्रेंड्स ऑनेस्टली आई डोंट फॉलो ट्रेंड्स बिकॉज आई बिलीव इन क्रिएटिंग ट्रेंड्स बट देन उसके कुछ ही दिनों बाद शी डज दिस और हिपोक्रेसी की सीमाएं तो उर्वशी जी ने बहुत बार पार की हैं लाइक ये देखो दीदी जी का कैप्शन टू ऑल द फैमिलीज आउट देयर थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू बी अ रोल मॉडल फॉर योर किड्स आई रियली डू नॉट टेक दैट फॉर ग्रांटेड बट देन अगेन उसके ठीक बाद उर्वशी जी एक रील अपलोड करती है इस गाने के साथ पर इसका ये मतलब नहीं है कि उर्वशी जी बच्चों से प्यार नहीं करती आई मीन लुक एट दिस यार ये लो बेटा चॉकलेट ये चॉकलेट ये तो चॉकलेट पकड़ा के मुझे ही पकड़ रही है छोड़ो छोड़ो मुझे अरे जाने दो दीदी मम्मा मत कर यार छोड़ दे छोड़ दे मेरे को छोड़ सी आई टोल्ड यू उर्वशी जी बच्चों से बहुत प्यार करती है ऑल्दो हाँ बच्चे उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करते जस्ट लाइक ऋषभ पंत और ह्यूमंस तो छोड़ो उर्वशी जी से तो जानवर भी दूर भागते हैं अगर मेरे को उठाया ना तो काट लूंगा समझी देख बहन मेरे पास मत आ ऋषभ भैया बचाओ वैसे ही उर्वशी और ऋषभ की टॉम एंड जेरी वाली लव स्टोरी देख के मेरे एक चीज तो समझ आ गई कि मैं तो इतना सिंगल हूँ कि मेरे पास तो एक टूटी फूटी लव स्टोरी भी नहीं है ऐसी बस पूरे दिन बैठ के वीडियो बनाते रहो मतलब मेंटली छोड़ो इट्स ऑल्सो इमोशनली टायरिंग यार यू नो व्हाट आई थिंक आई नीड टू गो आउट एंड हैव फन जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेश और अच्छा स्मेल करना तो कुछ टाइम पहले दिस ब्रांड फाई सेंट मी सम परफ्यूम्स एंड एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे तभी मैं काफी टाइम से यूज भी कर रहा हूँ सो ये परफ्यूम्स चार डिफरेंट फ्रेग्रेंसेज में आते हैं और ये वाला है फाई सोशल ईडीटी जो कि मेरा फेवरेट है बिकॉज ऑफ इट्स एक्वा एंड सिट्रसी फ्रेग्रेंस इट्स गॉट नोट्स ऑफ मिंट ऑरेंज जिंजर ओवर अ वुड सी बेस जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होता है फाई एज अ ब्रांड बनाता है स्पेशलाइज्ड सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स फॉर गाइस जो कि 100% वीगन और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज ये सभी प्रोडक्ट्स वैल्यू फॉर मनी भी होते हैं लाइक दिस परफ्यूम इज ओनली ₹750 और अभी Amazon और Flipkart की दिवाली सेल्स में तो ऑलमोस्ट 40% तक का डिस्काउंट भी चल रहा है ऑल्सो आई लव द बॉक्सी डिजाइन ऑफ दिस बॉटल तो आई थिंक ये गिफ्टिंग के लिए भी बहुत सही है इनफैक्ट अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप इन परफ्यूम्स का 50ml वेरियंट भी मंगा सकते हो एंड ट्रस्ट मी You won't regret it. So what are you waiting for? Click the link in the description and get ready this Diwali with Phi Social EDT and smell amazing and fresh. Cause it's a guy thing.
तो जिन लोगों को नहीं पता कि ये सब चल क्या रहा है उनको मैं जल्दी से बता देता हूँ, ऑल्सो मुझे पढ़ के बताना पड़ेगा क्योंकि याद तो मेरे को ये होने नहीं वाला। हाँ, तो एक इंटरव्यू में उर्वशी ने ऋषभ के बारे में कुछ बोला, जिसपे ऋषभ ने अपनी इंस्टा स्टोरी पे कुछ बोला, जिसपे उर्वशी ने उनको उल्टा फिर से कुछ बोला, पर फिर उन्होंने सॉरी भी बोल दिया, पर फिर उन्होंने ये बोला कि मैंने सॉरी नहीं बोला, और फिर वो ऋषभ के पीछे ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई चुटकियां बजाती हुई। यार देखो, कंफ्यूजन तो मेरे को भी बहुत ज्यादा हो रही थी, इसीलिए ना मैंने उर्वशी का कमेंट सेक्शन खोला इंस्टाग्राम का, पर वहां मुझे मिले सिर्फ और सिर्फ ऐसे कमेंट्स। ऋषभ भैया मिले कि नहीं अभी तक? वर्ल्ड कप के बाद बहन प्लीज। ऋषभ भाई सख्ती मत छोड़ना, पिघलना मत। आप भी करवा चौथ व्रत रहोगी? ऋषभ भाई मजाक नहीं चल रहा है, आप मान भी जाओ। बस कर पागल औरत। उर्वशी जैसी प्यार में पागल लड़की तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। कई दिनों से उदास है उर्वशी रोतेला, ऋषभ ने किया है व्यवहार सौतेला। ऑल्सो इस सब ड्रामे के बीच में उर्वशी ने ऋषभ के बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे का कैप्शन भी लगाया था अपनी किसी रील पे, पर फिर डिलीट कर लिया एज इफ कोई नोटिस नहीं करेगा। बट ट्रस्ट मी, उर्वशी की ये छपरी निबियो वाली कैप्शंस सब नोटिस करते हैं, क्योंकि कभी उर्वशी जी सैड शायरियां लिख रही होती हैं, तो कभी आरपी के लिए हिंट्स ड्रॉप कर रही होती हैं, और इसके अलावा भी कभी दीदी जी खुद को ही टैग करती हैं, कभी खुद ही के बारे में फैक्ट्स शेयर करती हैं, कभी दूसरों के नाम की गलत स्पेलिंग लिखती हैं, तो कभी एक ही चीज इतनी बार कॉपी पेस्ट करती हैं कि तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। एज एन एक्ट्रेस माई फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म द लेजेंड विल रिलीज ऑन 28th of July 2022 वर्ल्ड वाइड। खैर, ऐसे टॉप नॉच लेवल के कैप्शंस डालने के साथ साथ उर्वशी जी टॉप नॉच लेवल का कंटेंट भी डालती हैं, एंड ऑफ कोर्स टॉप नॉच लेवल का डांस भी। उर्वशी उर्वशी मैं हूं पागल, उर्वशी ओ लुक एट माय डांस, एंड कैन यू बिलीव के उर्वशी जी गाना भी गा सकती हैं। यार मेरे को कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा कि ये बंदी गा क्यों रही है, मतलब क्लियरली शी इज नॉट अ सिंगर, तो ये ऐसे माइक पकड़ के गा क्यों रही है, और वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। वाओ यार, दीदी क्या सुर लगा रही है, वो भी बार बार। और चलो ये तो हो गई टैलेंट की बात, लेकिन उर्वशी जी इज सो आइकॉनिक कि ये इंटरव्यूज में भी आग लगा देती हैं अपनी इंटेलिजेंस के साथ। Even if I am an artist or whatsoever, I'm still very normal. If I am like that, okay, अगर आप नॉर्मल इंसान होते तो आप नॉर्मल चीजें करते और नॉर्मल ही रहते। वाह दीदी वाह, इट्स लाइक कोई बच्चा स्कूल में शीटें भरने के लिए आंसर खींच रहा है, एंड एक्चुअली उर्वशी बात भी ऐसे करती है एज इफ स्कूल में किसी टॉपिक पे स्पीच दे रही हो। इंडिया ने अभी ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के साथ सीरीज जीता, लेकिन आपने क्या जीता? हमारी छोड़ो, आप ये बताओ आपने क्या जीता? ऋषभ पंत का दिल। Also, उर्वशी का www sounds like बबलू 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 www बबलू बबलू बबलू। Anyways, तो ये वीडियो खत्म करने के लिए मैंने सोचा था इस टॉपिक के मीम्स पर रिएक्ट कर लूंगा, बट ऑनेस्टली वही सेम मीम्स देख के ना यार मैं थोड़ा पक गया, तो आई फाउंड समथिंग एल्स, एन इंटरव्यू दैट इज गोल्ड, एंड नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन। आपका क्रश कब हुआ, कैसे बता तू सच? अच्छा, एक्चुअली मेरा सिर्फ एक ही क्रश है, जो है जान मलिक। खैर, मैं बात कर रहा था इस इंटरव्यू की जो मैडम जी ने दिया था विद नन अदर देन टोनी कक्कड़। मैं कोई अनोखा नहीं हूँ जो इस तरह से मेरी स्टाइल ही ऐसी रही है, कोका कोला तू हो या तुम, मैं ये हंसी जा रही है। यार देखो, माना के टोनी कक्कड़ के गाने सुन के हम सभी हंसते हैं, लेकिन ऐसे मुंह पे थोड़ा अच्छा लगता है उर्वशी, यार कम ऑन। आई हैव ओनली यूज्ड मे बी लाइक 20% ऑफ माय एंटायर पोटेंशियल। तो फिर पैसे क्यों पूरे लिए बे? पता है, आई फील उर्वशी ना बिल्कुल एकदम जब भी मेट की गीत की तरह है, मतलब एक मौका नहीं छोड़ती अपनी तारीफ करने का। आई एम जस्ट सो हैप्पी, आई एम प्रोबेबली द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी ऑन द कवर ऑफ आयोला मरोक। सी वैसे मन तो मेरा कर रहा है कि मैं बोलूं तो हम क्या करें बे, लेकिन आई विल स्टिल से गुड जॉब उर्वशी, यू आर द बेस्ट, क्योंकि मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आगे का काम दीदी जी ने खुद ही कर दिया है। सो हियर्स उर्वशी रौतेला, ओ सॉरी रौतेला, टॉकिंग अबाउट जॉन अब्राहम। बहुत ही फनी तरीके से उन्होंने बोला कि उर्वशी इज ट्राइंग वेरी हार्ड बट वो कुछ काम नहीं, मतलब इट्स फ्रॉम टोनी बी लाइक हां ये क्या बकरी है। तो वो आकर बोलते कि वे जहां शी इज ट्राइंग टू हार्ड, या She's trying too hard. I started laughing. Like he knows ki what is happening and this girl is trying too hard or whatsoever. I don't know. But yeah, he's very funny and I am very stupid क्योंकि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो मेरी बेइज्जती मार के गया है। अरे दीदी को कोई समझाओ कि trying too hard का मतलब hard working नहीं होता है, उसका मतलब होता है wannabe होना, जो उर्वशी जी literally हर जगह होती हैं।
Urvashi Rotela. Say something. राखी सावंत की इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये शुरू हो गई अपना वो स्कूल वाला आई जस्ट वांट टू से दैट इट यू नो भाई मतलब इतना क्रिंज भगवान मैं और नहीं देख पाऊंगा यार. So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया. अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. Also, don't forget to check out 5 Social EDT perfume from the link in the description. I will see you next time with a new video. Like, comment, share and subscribe. Bye bye.